यूपी चुनाव में सपा के सहयोगी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने संभल में विवादित बयान दिया है और योगी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को सबसे बड़ा रजिस्टर्ड गुंडा भी बताया है। संभल की तस्वीरें जहां पर राजेश कुमार सिद्धार्थ का एक विवादित बयान सामने आया, जहां अजय मिश्र को रजिस्टर्ड गुंडा बताया, साथ ही साथ योगी सरकार पर भी विवादित बयान दिया। देखिए, मैंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह सरकार है, जो भ्रष्टाचारी की सरकार है, जो बहन बेटियों की बलात्कारी सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना। अब चूँकि गठबंधन हुआ है तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। अभी क्लियर नहीं कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं? क्लियर हो गया है, समय आप आने पर आपको ओपन कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से गठबंधन में प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ घोषणा की है आज, और मैं असमोली विकास की बात करूँ तो वो करके दिखाऊंगा जो आज तक असमोली के अंदर लोगों ने नहीं किया है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे जी? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? चुनाव इस मुद्दों पर लड़ना है कि आज तक जो लोगों ने विकास नहीं किया, वादे झूठे सच्चे उल्टे उन लोगों ने किए। सीतापुर के कोतवाली लहरपुर इलाके में चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार के ड्राइवर ने किसी तरह से कार से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सीतापुर की तस्वीरें जहाँ पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, कार ड्राइवर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। हालांकि आग लगने के कारण क्या है ये साफ नहीं हो पाए हैं। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुरादाबाद की तस्वीरें जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में लूट में असफल बदमाशों ने कॉस्मेटिक की दुकान चला रहे व्यापारी के पैर में गोली मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद असला लहराते हुए बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। व्यापारी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश भी की जा रही है। और उसके बाद क्या पैसा निकालिए और सब निकालिए दीजिए, मोबाइल सब दे भी दिए, उसके बाद गोली मार दी। बलिया के फेफना विधानसभा में किसान सम्मेलन में आए सलेमपुर में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। रविंद्र कुशवाहा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि कांग्रेस सावरकर जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते। राहुल गांधी को भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई जानकारी है नहीं, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, चले जाते हैं। उनको ठीक से अध्ययन करें, हिंदू धर्म की ठीक से अध्ययन करें, हमारी गीता रामायण वेदों का थोड़ा अध्ययन ठीक से करें, तब उनको मालूम होगा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही परस्पर सबसे बड़ा जो जोड़ है।